हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर सावित्री श्रीवास्तव। आज मैं आपको हिंदी लिटरेचर का चैप्टर 8 ये सबसे कठिन समय नहीं समझाने जा रही हूँ। इस कविता को जया जादवानी जी ने लिखा है। बच्चों, इस कविता के माध्यम से जया जी ने मनुष्य को निराशा के वातावरण में आशा की किरण दिखाई है। उनके अनुसार हमें किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों ना हो, निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें उस समय को कठिन समझना ही नहीं चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए और ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए। और अपनी इन्हीं बातों को सिद्ध करने के लिए उन्होंने अपनी इस कविता में विभिन्न तर्क भी दिए हैं। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वो उड़ने की तैयारी में है। बच्चों, दया जी कहती हैं कि ये समय कठिन नहीं है, ये समय वर्तमान परिस्थिति जो चल रही है वो मुश्किलों भरी नहीं है। एक चिड़िया को ही देखिए, एक छोटी सी चिड़िया को देखिए जो अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है। उसे अपना घोंसला बनाना है। आप तो जानते ही हैं कि चिड़िया तिनकों से अपना घोंसला तैयार करती है जिसमें उसका परिवार सुरक्षित रह सके। तो एक चिड़िया जब परिस्थितियों से निराश नहीं होती है, जबकि तिनका एकत्रित करने में उसे विभिन्न मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो अपने घोंसला बनाने के विचार को त्यागती नहीं है और वो उड़ने की तैयारी में उसी उत्साह से है। तो मनुष्य को भी कभी भी अपनी परिस्थितियों से निराश नहीं होना चाहिए और अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहना चाहिए, चलने के लिए तैयार रहना चाहिए। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। देखिए, झड़ती हुई पत्ती, जब पेड़ से पत्ता झड़ता है तो उसे कौन अपने दामन में ले लेता है, कौन अपने आंचल में ले लेता है? हमारी पृथ्वी, हमारी धरती। अर्थात बेसहारा को सहारा देने के लिए आज भी कई हाथ तैयार हैं। आज भी ऐसे लोग हैं दुनिया में जो मुश्किलों से घबरा जाने वाले लोगों को तसल्ली देते हैं, संतावना देते हैं। आज भी लोग दूसरों को सहारा देते हैं। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। देखिए, हम एक दूसरे से, अपने जो निकट के लोग हैं, हमारे जो प्रिय लोग हैं, हम उनसे मिलने के लिए जाते रहते हैं। हम सभी एक दूसरे के घर आते जाते हैं। तो कह रहे हैं कि अभी भी एक रेलगाड़ी, मतलब अभी भी स्टेशन पर भीड़ है और अभी भी एक रेलगाड़ी है जो गंतव्य तक जाती है। गंतव्य का मतलब डेस्टिनेशन, लक्ष्य तक जाती है, और सभी वो एक दूसरे को, लोगों को ले जाती है। अपने अपने लोग अपने अपने प्रियजनों से मिलने के लिए आ जा रहे हैं। एक रेलगाड़ी अभी भी लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचा रही है। क्यों? क्योंकि इस रेलगाड़ी से जाने वाले लोगों का कोई इंतज़ार कर रहा है, और आज भी अपने प्रियजन की प्रतीक्षा में कोई बेचैन हो रहा है और कह रहा है कि सूर्य डूबने का समय हो गया है, इसलिए जल्दी आ जाओ। अर्थात बच्चों, इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है कि व्यक्ति के सुख दुख का ध्यान करने वाले लोग आज भी हैं। आज भी लोग सोचते हैं कि जो उनका प्रियजन है वो दुखी ना रहे, वो उनके निकट आ जाए, वो उनके पास रहे, वो हर सुख दुख में उनके साथी बनना चाहते हैं। अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से जया जी कहती हैं कि हमें किसी भी माहौल में निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज भी दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो हमें सहारा दे सकते हैं, हमें संतावना दे सकते हैं, इसलिए हमें निराशा छोड़ देनी चाहिए। अभी भी कहा जाता है
उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को, अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं। बच्चों, बचपन में आपने अपने नानी दादी से कहानियाँ सुनी होंगी, आप सुनते भी होंगे और आपको बहुत मज़ा आता होगा। सभी बच्चे सुनते हैं, मैंने भी अपनी नानी और दादी से कहानियाँ सुनी हूँ और बच्चों, उन कहानियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता था। उसमें एक तरह की शिक्षा होती थी, हैप्पी एंडिंग भी होती थी। हैप्पी एंडिंग का मतलब समझते हैं आप लोग? मतलब सुखद अंत, खुशियों भरा अंत। तो आज भी वो दादी नानी अपने बच्चों को, अपने नाती पोतों को कहानियाँ सुनाती हैं और उस कहानी में अंतरिक्ष से आ रही उस बस का जिक्र होता है, जो कि कहते हैं कि वहाँ से वो उन लोगों को वापस लाएगी जो वहाँ जाने के बाद वापस नहीं आ सके। कुछ लोग जो अंतरिक्ष में गए थे वो अब वापस नहीं आ सके, लेकिन फिर भी वो बस जो है वो एक खुशखबरी लाएगी, वहाँ पे कुछ फंसे हुए लोगों को हमारे पास लाएगी, हमें अच्छी खबर सुनाएगी। अर्थात आज भी हमें बुरी खबरों के सुनने के बावजूद अच्छी खबरों का इंतज़ार रहता है, क्योंकि हमारा मन वो निराश नहीं होता है। भले ही आज बहुत ही कठिन परिस्थितियां चल रही हैं, जो आज का माहौल है, आज की जो परिस्थितियां हैं वो बहुत ही मुश्किल घड़ी चल रही है, लेकिन हमें फिर भी धैर्य नहीं खोना है, क्योंकि अच्छी खबर ज़रूर आएगी, हमें अच्छी खबर ज़रूर मिलेगी। इसलिए अंत में जया जी कहती है, नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं है। मतलब भले ही वो समय मुश्किल चल रहा हो, लेकिन इसको हम कठिन मान करके, निराश हो करके, हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकते हैं। बच्चों, इस कविता के माध्यम से आपने समझा कि कवयित्री जी हमें निराश नहीं होने की सलाह देती हैं, निराश नहीं होने की शिक्षा देती हैं। जैसे एक चिड़िया तिनके को दबाकर उड़ने की तैयारी में है, वो घबराती नहीं है और गिरते हुए पत्तों को थामने के लिए हाथ तैयार हैं। अर्थात बेसहारा को सहारा देने के लिए आज भी लोग हैं, आज भी हमारे शुभचिंतक जो हमारे सुख दुख का ध्यान रखते हैं वो हैं इस संसार में। आज भी हमें सहारा देने वाले लोग हैं, आज भी हमारे लोग शुभचिंतक हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आज भी नानी हमें कहानियाँ जो सुनाती हैं उसमें सुखद अंत होता है, अच्छी खबर लाने वाली बस का जिक्र होता है। तो बच्चों, हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, हमें सदैव अपने कर्म करने चाहिए, ईमानदारी के साथ मेहनत करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर सावित्री श्रीवास्तव। आज मैं आपको हिंदी लिटरेचर का चैप्टर 8, ये सबसे कठिन समय नहीं, समझाने जा रही हूँ। इस कविता को जया जादवानी जी ने लिखा है। बच्चों, इस कविता के माध्यम से जया जी ने मनुष्य को निराशा के वातावरण में आशा की किरण दिखाई है। उनके अनुसार हमें किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों ना हो, निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें उस समय को कठिन समझना ही नहीं चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए और ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए। और अपनी इन्हीं बातों को सिद्ध करने के लिए उन्होंने अपनी इस कविता में विभिन्न तर्क भी दिए हैं। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वो उड़ने की तैयारी में है। बच्चों, दया जी कहती हैं कि ये समय कठिन नहीं है, ये समय वर्तमान परिस्थिति जो चल रही है वो मुश्किलों भरी नहीं है, एक
चिड़िया को ही देखिए, एक छोटी सी चिड़िया को देखिए जो अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है। उसे अपना घोंसला बनाना है। आप तो जानते ही हैं कि चिड़िया तिनकों से अपना घोंसला तैयार करती है जिसमें उसका परिवार सुरक्षित रह सके। तो एक चिड़िया जब परिस्थितियों से निराश नहीं होती है, जबकि तिनका एकत्रित करने में उसे विभिन्न मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो अपने घोंसला बनाने के विचार को त्यागती नहीं है और वो उड़ने की तैयारी में उसी उत्साह से है। तो मनुष्य को भी कभी भी अपनी परिस्थितियों से निराश नहीं होना चाहिए और अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहना चाहिए, चलने के लिए तैयार रहना चाहिए। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। देखिए, झड़ती हुई पत्ती, जब पेड़ से पत्ता झड़ता है तो उसे कौन अपने दामन में ले लेता है, कौन अपने आंचल में ले लेता है? हमारी पृथ्वी, हमारी धरती, अर्थात बेसहारा को सहारा देने के लिए आज भी कई हाथ तैयार हैं। आज भी ऐसे लोग हैं दुनिया में जो मुश्किलों से घबरा जाने वाले लोगों को तसल्ली देते हैं, संतावना देते हैं। आज भी लोग दूसरों को सहारा देते हैं। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। देखिए, हम एक दूसरे से अपने जो निकट के लोग हैं, हमारे जो प्रिय लोग हैं, हम उनसे मिलने के लिए जाते रहते हैं। हम सभी एक दूसरे के घर आते जाते हैं। तो कह रहे हैं कि अभी भी एक रेलगाड़ी, मतलब अभी भी स्टेशन पर भीड़ है और अभी भी एक रेलगाड़ी है जो गंतव्य तक जाती है। गंतव्य का मतलब डेस्टिनेशन, लक्ष्य तक जाती है, और सभी वो एक दूसरे को लोगों को ले जाती है। अपने अपने लोग अपने अपने प्रियजनों से मिलने के लिए आ जा रहे हैं। एक रेलगाड़ी अभी भी लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचा रही है। क्यों? क्योंकि इस रेलगाड़ी से जाने वाले लोगों का कोई इंतज़ार कर रहा है और आज भी अपने प्रियजन की प्रतीक्षा में कोई बेचैन हो रहा है और कह रहा है कि सूर्य डूबने का समय हो गया है, इसलिए जल्दी आ जाओ। अर्थात बच्चों, इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है कि व्यक्ति के सुख दुख का ध्यान करने वाले लोग आज भी हैं। आज भी लोग सोचते हैं कि जो उनका प्रियजन है वो दुखी ना रहे, वो उनके निकट आ जाए, वो उनके पास रहे, वो हर सुख दुख में उनके साथी बनना चाहते हैं। अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से दया जी कहती हैं कि हमें किसी भी माहौल में निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज भी दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो हमें सहारा दे सकते हैं, हमें संतावना दे सकते हैं, इसलिए हमें निराशा छोड़ देनी चाहिए। अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं। बच्चों, बचपन में आपने अपने नानी दादी से कहानियाँ सुनी होंगी, आप सुनते भी होंगे और आपको बहुत मज़ा आता होगा। सभी बच्चे सुनते हैं, मैंने भी अपनी नानी और दादी से कहानियाँ सुनी हों, और बच्चों उन कहानियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता था। उसमें एक तरह की शिक्षा होती थी, हैप्पी एंडिंग भी होती थी। हैप्पी एंडिंग का मतलब समझते हैं आप लोग? मतलब सुखद अंत, खुशियों भरा अंत। तो आज भी वो दादी नानी अपने बच्चों को, अपने नाती पोतों को कहानियाँ सुनाती हैं और उस कहानी में अंतरिक्ष से आ रही उस बस का जिक्र होता है, जो कि कहते हैं कि वहाँ से वो उन लोगों को वापस लाएगी जो वहाँ जाने के बाद वापस नहीं आ सके। कुछ लोग जो अंतरिक्ष में गए थे वो अब वापस नहीं आ सके, लेकिन फिर भी वो बस जो है वो एक खुशखबरी लाएगी, वहाँ पे कुछ फंसे हुए लोगों को हमारे पास लाएगी, हमें अच्छी खबर सुनाएगी। अर्थात आज भी हमें
बुरी खबरों के सुनने के बावजूद अच्छी खबरों का इंतज़ार रहता है, क्योंकि हमारा मन वो निराश नहीं होता है। भले ही आज बहुत ही कठिन परिस्थितियां चल रही हैं, जो आज का माहौल है, आज की जो परिस्थितियां हैं वो बहुत ही मुश्किल घड़ी चल रही है, लेकिन हमें फिर भी धैर्य नहीं खोना है, क्योंकि अच्छी खबर ज़रूर आएगी, हमें अच्छी खबर ज़रूर मिलेगी। इसलिए अंत में जया जी कहती है, नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं है। मतलब भले ही वो समय मुश्किल चल रहा हो, लेकिन इसको हम कठिन मान करके, निराश हो करके, हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकते हैं। बच्चों, इस कविता के माध्यम से आपने समझा कि कवयित्री जी हमें निराश नहीं होने की सलाह देती हैं, निराश नहीं होने की शिक्षा देती हैं। जैसे एक चिड़िया तिनके को दबाकर उड़ने की तैयारी में है, वो घबराती नहीं है और गिरते हुए पत्तों को थामने के लिए हाथ तैयार हैं, अर्थात बेसहारा को सहारा देने के लिए आज भी लोग हैं। आज भी हमारे शुभचिंतक, जो हमारे सुख दुख का ध्यान रखते हैं, वो हैं इस संसार में। आज भी हमें सहारा देने वाले लोग हैं, आज भी हमारे लोग शुभचिंतक हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आज भी नानी हमें कहानियां जो सुनाती हैं उसमें सुखद अंत होता है, अच्छी खबर लाने वाली बस का जिक्र होता है। तो बच्चों, हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, हमें सदैव अपने कर्म करने चाहिए, ईमानदारी के साथ मेहनत करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। धन्यवाद।